तो भाइयों आज के इस वीडियो में अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक फ्री फायर स्मार्टफोन जो कि बेसिकली एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन है दोस्तों, जिसको मैंने परचेस किया है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ सिर्फ और सिर्फ 9999 में। और क्योंकि ये स्मार्टफोन एक फ्री फायर एडिशन वाला स्मार्टफोन है तो आज के इस वीडियो में एक गेमिंग टेस्ट भी होने वाला है विथ फ्री फायर के साथ। और अगर आप भी 10,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे या फिर बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे ना, तो ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है दोस्तों। इस बजट में 2023 में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि इसको टक्कर दे पाएगा। तो कौन सा ये स्मार्टफोन, कहां से आप परचेस करोगे, क्या कुछ मसालेदार फीचर्स है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, उससे पहले लाइक का टारगेट 1000 सेट करते हैं, कंप्लीट करवा दो। तो भाई फोन का बॉक्स देखो, पूरा भाई ब्लैक कलर में है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है, फ्री फायर। एक्चुअली ये अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन है, हाईलाइट किया है फ्री फायर को, यानी यहां पर फ्री फायर जम के खेल सकते हो। उसका टेस्ट तो करने वाला हूं, उससे पहले अनबॉक्स भी कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी प्लास्टिक को भाई कट करके रखा था, फटाफट से डब्बा खोल लेते हैं। और यहां पर दोस्तों सबसे पहले फोन देखने को मिल रहा है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। और ये वाला स्मार्टफोन है, इसको मैं नीचे रखता हूं। इसके अंदर दोस्तों बॉक्स में देख सकते हो फ्री फायर का भाई जो कैरेक्टर वगैरह है वो देखने को मिल रहा है। तो फ्री फायर का भाई पूरा लुक यहां पर दिया गया है बॉक्स में। इसके अंदर दोस्तों एक चार्जिंग एडाप्टर मिलता है जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये भाई एक चार्जिंग एडाप्टर है जो कि 33 वाट का चार्जिंग एडाप्टर है दोस्तों। और साथ में यहां पर टाइप ए टू टाइप सी वाला एक व्हाइट कलर में केबल भी दिया है। और साथ में यहां पर दोस्तों एक पॉलिथिन के अंदर एक सिम ट्रे भी दिया है, कुछ यूजर मैनुअल यानी पुस्तक वगैरह है। और यहां पर दोस्तों फोन का केस दिया है, और इसके पीछे ये देख सकते हो फ्री फायर का लोगो है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। और ये देखने में सच में काफी अच्छा लग रहा है, मैं फोन में एक्चुअली लगा के टेस्ट कर लेता हूँ कैसा लग रहा है भाई देखने में। तो गाइस ये है फोन का बैक पैनल का लुक जो कि देख सकते हो गाइस, सच बताऊं दोस्तों काफी अच्छा और कूल लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ऐसा कवर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज भाई, यहाँ पर एक ग्लास भी है, एक्चुअली एक ग्लास नहीं है मतलब स्क्रीन प्रोटेक्टर भी भाई बॉक्स के अंदर दिया है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। अब चलो सबको मैं साइड में रखता हूँ और फाइनली फोन में ध्यान देता हूँ गाइस। इसके ऊपर एक प्लास्टिक है जिसको मैं निकाल लेता हूँ, और ये भाई फोन बूट भी हो रहा है, मैंने इसको ऑन कर दिया है ऑलरेडी। और इसके पीछे भी एक प्लास्टिक है जिसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये दोस्तों है फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशन भाई फ्री फायर का स्मार्टफोन का, जो कि आप देख सकते हो। देखने में ये फोन काफी खूबसूरत है, बैक साइड में प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल है, बट बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा है दोस्तों। यहाँ पर मेट फिनिशिंग यूज किया गया है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आता है, तो ये चीज भी काफी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर आप कैमरा सेंसर को थोड़ा सा ध्यान दो, वो भी देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये मेरे पास ग्रीन कलर में है, इसका ब्लू और एक और कलर आपको मार्केट में मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं दोस्तों, ये फोन मेरे पास 8GB 128GB के साथ 10,000 के अंदर आया है। वैसे मैं बता दूं भाई, यहां पर जो डिस्प्ले की यूज किया गया है, ये फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक डिस्प्ले है 6.95 इंच का, जो कि गाइस एलसीडी पैनल है, बट यहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अब चलिए मोबाइल में गेम यानी फ्री फायर को स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करना शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने फ्री फायर ऑन कर दिया है, और इस मोबाइल का स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया भाई 6.95 इंच का है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, जिसके वजह से यहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बड़ा सा मोबाइल में, बड़ा सा डिस्प्ले में गेम खेलने का मजा ही कुछ अलग है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसका सेटिंग वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मूथ में भाई आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड में भी आप आराम से खेल सकते हो, साथ में यहाँ पर अल्ट्रा में भी आप खेल सकते हो, हाई में और लो में दोनों में, और साथ में आप यहाँ पर मैक्स में भी हाई में खेल सकते हो। यानी इस मोबाइल में दोस्तों सेटिंग जितना सारा फ्री फायर में मिलता है, वो सारे सेटिंग भाई आराम से यहां पर सेट हो जाता है। तो यहां पर भाई आपको एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है, पहले ही बता देता हूं। चलिए मैं यहां पर एक गेम स्टार्ट करता हूं और मैं आपको गेम टेस्ट करके दिखाता हूं। भाई यहां पर मैं आपको एक मतलब सीएस रैंक वाला गेम खेल के दिखाता हूं, जो कि आप देख सकते हो मैंने ऑन भी कर दिया है, और मैं बीच बीच में पार्ट को थोड़ा सा कट कर दूंगा क्योंकि भाई लंबा हो जाएगा वीडियो। तो भाई गेम स्टार्ट कर दिया हूं मैं, और यहां पर जो स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है भाई, वो मुझे ही पता चल रहा है। और भाई मीडियाटेक हेलियो G96 का भाई चिपसेट है, इस बजट में तो कोई फोन नहीं देता है, और ये चिपसेट भाई सबको पता है ये गेमिंग चिपसेट है दोस्तों, जिसके वजह से मुझे अभी फील भी हो रहा है कि हाँ भाई मक्खन कितना भाई चल रहा है। और भाई यहाँ पर एनिमी आ जाओ भाई, जो भी आना है आ जाओ भाई, सबको भाई सुलाने वाला हूँ। वैसे तो मैं नूब हूँ, पर ट्राई करूंगा भाई सबको मारने के लिए। वैसे भाई बता दूं, मैं गेमिंग एक्सपीरियंस भाई काफी तगड़ा लग रहा है भाई, यहाँ पर मुझे एक भी ऐसा मतलब हल्का सा भी झिटक वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। और हाँ एक चीज़
बता दूं भाई, इस वालों जब गेम खेल रहा हूँ ना तो भाई यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम भी मुझे फेस नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर गेम देखते रहो भाई, आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस उठा सकते हो और देख के पता भी कर सकते हो भाई। गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में ये फ़ोन मुझे काफ़ी तगड़ा लगा, तगड़ा मतलब बेस्ट स्मार्टफोन है। 10,000 के अंदर भाई इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस MediaTek Helio G96 चिपसेट के साथ, 8GB 128GB के साथ मार्केट में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि आपको निकाल के देगा। आप इसमें चाहे पबजी या फिर चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी गेम खेलो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये फ्री फायर एडिशन है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर चलेगा, ऐसा नहीं है। मैं फ्री फायर टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें BGMI आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली मैंने बताया भाई 10,000 के अंदर एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है और इसका जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको लाइव दिखाया। भाई इस मोबाइल का गेमिंग टेस्ट तो देख लिया, अब आप लोगों का मन में सवाल चल रहा है कि भाई आपने इसको खरीदा है तो उसका प्रूफ क्या है, तो देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर बिल भी दिखा रहा हूँ भाई। 9,999 मैंने परचेस किया था, बट 28 रुपया का अलग से भाई यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाले ने चार्ज लगा दिया, मतलब 10,028 रुपया में मुझे ये फोन मिला है। अब आप लोगों का मन में क्वेश्चन चल रहा है भाई, हम लोग गेम जब लंबा खेलते हैं ना तो भाई बैटरी जल्दी खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिलता है दोस्तों नेक्स्ट लेवल का मिलता है। 5000mAh का बैटरी है इस फोन में और 33W का चार्जर है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। बैटरी बैकअप आराम से भाई हेवी यूज करोगे एक दिन निकाल के देगा, कोई इशू नहीं है। बैटरी ड्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको भाई जम के टेस्ट किया इस मोबाइल को, कोई भी इशू यहाँ पर बैटरी ड्रेन में मुझे देखने को नहीं मिला है। टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। वैसे मैं बता दूं यहाँ पर ड्यूल स्पीकर है, ऊपर के साइड में एक है, नीचे के साइड में एक है। यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी मिलता है इस बजट में 10,000 के अंदर, मुझे लगता है ये बेस्ट साउंड निकाल के देता है, क्योंकि यहाँ पर हाई रेस ऑडियो का भी सपोर्ट है दोस्तों। और यहाँ पर इस मोबाइल में जो कैमरा मिलता है ना, बैक साइड में आप देख सकते हो ट्रिपल रियर कैमरा है, 50MP का मेन सेंसर है। अब इसका जो कैमरा का मतलब आप फुटेज वगैरह देखना चाहते हो ना तो ये वीडियो भाई एग्जांपल है, क्योंकि ये जो मोबाइल है दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास था, जिसको मैं पिछले 6-7 महीने से अपना डेली लाइफ में जम के यूज करता हूँ दोस्तों। अब आप सोच रहे हो भाई ये कौन सा मोबाइल है, इन्फिनिक्स नोट 11S का ये फ्री फायर एडिशन है दोस्तों। जो मेरा पुराना व्यूअर्स है ना उन सभी को पता है कि मैं डेली लाइफ में कौन सा मोबाइल यूज करता हूँ भाई, यही वाला मोबाइल है इन्फिनिक्स नोट 11S। बट ये मैं दूसरा एक परचेस किया है क्योंकि ये सेल में भाई आया था, क्योंकि वो सेल चल रहा था। अभी आप शायद चेक करोगे तो इसका प्राइस ज़्यादा हो गया है, जिस टाइम सेल चल रहा था तो मैंने एक वीडियो में बना के बताया था भाई कि ये मोबाइल भाई 9,999 में 8GB 128GB के साथ मिल रहा है, जो कि भाई इससे पहले नहीं आया था कभी भी। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारा भाइयों ने ऑर्डर भी किया था, लेकिन अगर आपने ऑर्डर नहीं कर पाए हो तो टेंशन नहीं लेने का भाई, ये मोबाइल आप ले सकते हो मेरे पास जो है ना, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। उसके लिए इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करना पड़ेगा और आपको UPI पेमेंट करना पड़ेगा, फोनपे गूगल पे जो भी करोगे उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ये फोन आपको मिल जाएगा। 10,000 के अंदर जो फीचर्स आपको मिलता है और जो गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर जो अदर एक्सपीरियंस मिलता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का है। कैमरा आप देख सकते हो, इस फोन का कैमरा से ही वीडियो शूट हो रहा है तो इसका क्वालिटी आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी यहाँ पर सब कुछ बेहतर है, मैंने इसको 6-7 महीने से यूज किया है अपना पर्सनल लाइफ में तो मुझे पता है दोस्तों। बाकी ये फोन आपको कैसा लगा भाई गेमिंग के मामले में और अदर फीचर्स के मामले में 10,000 के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।